घनसाली के जखन्याली के नौतार से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपदा यहाँ पर आई है। यहाँ पर जो है जो गदेरा नौतार का गदेरा है वो एक बार फिर जो है उफान पर आया है और यहाँ पर उसने तबाही मचाई है। नौतार गदेरे ने 2013 में भी इसी तरह की तबाही नौतार गदेरे ने मचाई थी। इस बार फिर जो है चार धाम यात्रा मार्ग पर इस गदेरे ने तबाही मचाई है और यहाँ पर अभी पता नहीं लग पा रहा है कि क्या कुछ यहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँच चुका है। ये गदेरा आप देख सकते हैं, नौतार का गदेरा ये यहाँ पर उफान मार रहा है और सड़क पूरी तरह से जो चार धाम यात्रा मार्ग है वो बाधित हुआ है। जो घनसाली तिलवड़ा मोटर मार्ग है वो बाधित हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर किस तरह से क्या कुछ नुकसान हुआ है इसका अनुमान भले ही अभी नहीं लग पा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान हुआ है ये जरूर हर कोई सोच रहा है। इसलिए यहाँ पर तमाम लोग जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हम बातचीत भी करना चाहेंगे तमाम ग्रामीणों से। तो भाई साहब ये बताइए, ये जगह नौतार है जी, ये चार धाम यात्रा मार्ग है, क्या यहाँ पर हुआ है? भाई साहब अभी हमें यहाँ पे जब बारिश हुई, बहुत बड़ी रेंज हुई थी, तो मैं करुणा सेवा समाज संस्था की ओर से भी कह रहा हूँ, मैंने अपने BDMC के माध्यम से सायरन बजाया गांव में और सभी लोग एकत्र हुए हैं, और उसके बाद मैंने टॉर्च अपने जो आपदा के टॉर्च दे रखी मुझे उसका सारा लोगों को सचेत किया है, और 112 कंट्रोल रूम देहरादून में मैंने फोन किया सबसे पहले, और अभी तक वहाँ प्रशासन यहाँ नहीं आ पाया है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पे 3 आदमी की गुम होने की चांसेस है, कोई यहाँ पे पता नहीं है उन लोगों का। भानु प्रसाद, 2 उनके बच्चे हैं, और हम ऑन द स्पॉट पर यहाँ पहुँच रखे, हमारी मीडिया परवारी हमारे सदन यहाँ पर जो है अलग अलग तरह की बातें लोग कह रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आप बताइए भाई साहब क्या हुआ यहाँ पे? ये जो एक बार बताइए एक बार पहले जो बादल फटा महादेव नोटियाल के, उससे बाद जो नौताड़ जो ग्राम सभा जगना है नौताड़ में, और वो स्थिति वो सेम टू सेम आज हुई है, जिसमें एक परिवार के 2-3 वो हैं उनका लापता है, जो कि लोग पूरे ग्राम सभा जगना लिए इकट्ठा हो रखे हैं, ढूंढने लगे हुए हैं, जिसका भी कोई वो नहीं है, रोड बंद है, प्रशासन अभी नहीं पहुंचा, मशीन आने वाली है। टीम भी यहां पर पहुंच रही है लगातार, यहां पर कोशिशें जागी हो रही है। अच्छा बिल्कुल, तहसीलदार साहब भी आ रहे हैं और मशीन JCB आप देख सकते हैं यहां पर जो JCB मशीन है वो भी यहां पर पहुंच रही है, और तमाम जो रेस्क्यू कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। और लोगों से भी जान लेते हैं थोड़ी सी, ये बताइए भाई साहब आप बताइए क्या कुछ यहाँ पर, ये चार धाम यात्रा मार्ग है? मैं तो उधर से आ रहा हूँ, मैं तो ये हूँ ना यहाँ घनसाली में। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बताइए भाई क्या क्या सूचना आपके पास है? मैं भी यहाँ का नहीं हूँ दरअसल, मैं अभी आ रहा हूँ यहाँ। अच्छा अभी आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए भाई क्या 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 सूचना आपके पास? अभी नहीं यार, प्रमुख साहब हमारे साथ हैं भाई, बताइए। अभी यहाँ पर एक परिवार मिस है सर, अभी तक की जानकारी के हिसाब से जो हमने यहाँ पे देखा वो यहाँ पे है नहीं, बाकी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो अभी जो आपदा आई है 2013 से भयंकर आ रखी है, ज़्यादा नुकसान हुआ है, और बाकी तो अभी पता लगेगा जब हम जाएंगे इधर। एक परिवार मिसिंग की बात की जा रही है, कितने लोग हैं उस परिवार में, क्या कुछ है ये कभी कोई स्पष्ट नहीं है, कोई स्पष्ट है कि कितने लोग उस परिवार? उस परिवार में 3 लोग थे, अब उन तीनों से कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही सर अभी तक, तो लगता है कि वो एक परिवार के 3 लोग मिसिंग है। कहाँ पर कहाँ पर कहाँ से? यहीं पे थे, उनका एक रेस्टोरेंट था यहाँ पे और यहीं से वो मिस है। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे दीपक भाई हैं श्रीयाल जी, जो प्रधान ग्राम प्रधान यहाँ पर जो है प्रतिनिधि भी हैं, बस अब ये बताइए क्या सूचना यहाँ पर? ये 9 बजे के आसपास एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था हमारे जखन्याली ग्राम पंचायत के ऊपर, और अभी तक जो सूचना मिल रही है कि एक ही परिवार के माँ बेटा और पिता तीनों मिसिंग बताए जा रहे हैं, हालांकि कंफर्म अभी कुछ नहीं है, बाकी अन्य लोग सुरक्षित हैं। और इससे पहले भी जो 31 जुलाई 2014 में आई थी वहां पर भी हमारे 5-6 लोग मिसिंग हो गए थे, हालांकि मिल गए थे बाद में, लेकिन बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है और हम लोग काफ़ी हताहत हैं, और लोग हम लोगों ने जो इससे नीचे के जो 8-10 परिवार अभी जो सुरक्षित हैं उनको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है, और प्रशासन से बात हो गई है, बाकी प्रशासन की टीम पहुंची है, प्रशासन की टीम अभी आ रही है। एक्चुअली में बूढ़ा केदार वाला जो मामला, तिनगढ़ वाला जो मामला हुआ था उसको लेकर पूरे STRF और पूरा प्रशासन वहाँ गया हुआ है। DM सर से मेरी बात हुई है, मैंने कहा है कि मैंने कहा सर जैसे भी है, पर अभी जो घनसाली SO हैं थपलियाल जी उनसे भी बात हो गई है, वो लोग भी आ रहे हैं, कुछ STRF के लोग भी आ रहे हैं, और मशीन तो शायद पहुँच चुकी है, मशीन तो कर ही रही है काम अपना। तो बिल्कुल ये स्थिति अभी जो है नौतार जो जखन्याली है वहाँ की है, अब आगे का अपडेट भी हम लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल की इन्फॉर्मेशन ये है कि 3 लोग मिसिंग हैं,
आगे जो कुछ भी जानकारी इससे जुड़ी हुई हमें मिलेगी आपको लगातार अपडेट हम करते रहेंगे।